नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा सत्ता में वापसी कर चुकी है और शपथ ग्रहण के बाद सभी मंत्री से लेकर संतरी तक एक्शन में है। इस बीच पिछली सरकार में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले मोदी के काफी नजदीकी माने जाने वाले अजीत डोभाल दोबारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। इस बार सरकार और अजीत डोभाल की कई समस्याएं स्वागत करने के लिए तैयार बैठी है, जैसा कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर को लेकर चल रहा गतिरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन लगातार भारत को सिक्किम भूटान बॉर्डर से अपनी सेना हटाने को कह रहा है, पर भारत भी सेना ना हटाने पर अड़ा है। इस बीच बीजिंग में ब्रिक्स देशों की एनएसए लेवल की मीटिंग होने वाली है। उससे पहले चीन ने आरोप लगाया कि डोकलाम में सीमा विवाद के पीछे डोभाल का ही दिमाग है। मोदी के सबसे खास सिपाही माने जाने वाले डोभाल को लेकर किसी देश ने ऐसे बयान दिया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इंडियन जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले डोभाल से पाकिस्तान हमेशा डरता रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब पीएम पद की शपथ ली थी, तब से ही वे चीन की ओर काफी आकर्षक रहे हैं। सितंबर 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पीएम मोदी ने भारत बुलाया और अहमदाबाद में झूला झुलाया था। तब कहा गया कि पीएम चीन को निवेश के लिए लुभाना चाहते हैं, लेकिन मोदी की अमेरिका के साथ नजदीकियां देख चीन का रुख बदला और चीन ने बार बार बॉर्डर पर अपने सैनिकों की घुसपैठ के जरिए भारत को धोखा दिया। हालांकि मोदी सरकार लगातार ही इस मुद्दे पर बातचीत की पहल करती रही है, लेकिन अजीत डोभाल नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और काफी भरोसेमंद भी, और यही कारण है कि पीएम मोदी चीन के मुद्दे को पूरी तरह से डोभाल के हवाले कर रखा है। चीन के मुद्दे पर कोई भी बात होती है तो अजीत डोभाल हमेशा एक्टिव रहते हैं। हाल ही में ढोकलाम को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस दौरान भी डोभाल की भूमिका काफी सक्रिय रही। कहा जा रहा है कि डोभाल नजर बनाए हुए हैं और चीन का अजीत डोभाल से डरना लाजमी है। डोभाल पीएम मोदी के भरोसेमंद है। चीन पाकिस्तान जैसे बड़े मामलों से निपटने के लिए उन्हें पूरी जिम्मेदारी दी गई है। डोभाल के एनएसए बनने के बाद सुरक्षा नीति पर भारत का रुख आक्रामक हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर म्यांमार में घुसकर आतंकियों को मारना। चीन के मुद्दे पर भी भारत इस बार आक्रामक रुख बनाए हुए है और झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। दरअसल अजीत डोभाल भारत के सर्वश्रेष्ठ सिपाही में से एक रहे हैं और खुफिया एजेंसियां रॉ के अंडरकवर एजेंट के तौर पर डोभाल 6 साल तक पाकिस्तान के लाहौर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे थे। इसके अलावा साल 2005 में एक तेज तरार खुफिया अफसर के रूप में स्थापित अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए हैं और साल 2009 में अजीत डोभाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट भी बने और इस दौरान न्यूज़पेपर में लेख भी लिखते रहे। और साल 1989 में अजीत डोभाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से चरमपंथियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर का नेतृत्व भी किया था। और कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि एक बार फिर मोदी सरकार ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाकर पाक और चीन को एक ही साथ साधा है और एक ही साथ टेंशन भी दे दिया है। यही नहीं, भारतीय सीमा से सटे दूसरे देश जहां पर भारतीय आतंकी अपना जाल फैलाए हुए हैं, ये उनके लिए भी बुरी खबर है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कुछ बातें दुनिया के लिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की ताकत क्या है, ये विश्व के सामने ले जाना, ये हम सबका दायित्व है। ये कोई सरकार का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है।
और मैं मानूंगा कि विश्व को हमने प्रभावित करना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है, कितनी विविधताओं से भरी हुई है, कितनी अच्छाइयां हैं उसमें। अब इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, दो चुनाव ऐसे गए 2009 और 2014 के आईपीएल मैच को भी बाहर ले जाना पड़ा था। आज जब सरकार सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है, आईपीएल मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्जाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहे हैं और सब कुछ। यानी ये हमारे देश की अपनी ताकत है। मैं इसको कोई सरकार की अमानत के रूप में पेश नहीं कर रहा हूँ, ये भारत के गौरव की बात है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग भी, और मैंने देखा है शायद पत्रकारिता जगत में नेचुरल कैलेमिटी जब होती है तब उनकी हालत बड़ी ख़राब होती है, दौड़ना पड़ता है। और दूसरी शायद चुनाव के समय होता है कि इतनी उनको इतनी कंपटीशन होती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी धूल फाँकनी पड़ती है। और सोशल मीडिया आने के बाद डबल अकाउंटेबिलिटी हो गई, एक तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की और दूसरी पर्सनल जो ट्वीट करते हैं उसकी, तो उसके लिए डबल अकाउंटेबिलिटी में आपको काम करना पड़ रहा है। तो आपने भी बहुत परिश्रम किया है, ज़रूर 23 तारीख तक आपको कुछ न कुछ आराम आपके ऑफिस से मिलेगा, हमारी तरफ से तो जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत शानदार रहा चुनाव, एक सकारात्मक भाव से चुनाव हुआ। और थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, 75 के बाद बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, तय करके के चुनाव लड़ा गया हो और चुनाव में सरकार बनती हो, वैसा भी बहुत कम हुआ है। बीच में जितने ही सरकारें बनी तो परिस्थिति ने जो बना दिया बना दिया, उसको किसी को 1 साल मिल गया, 2 साल मिल गया, या तो किसी पारिवारिक परंपरा से मिल गया। देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। कभी न कभी इसका एनालिसिस आपके यहाँ जो पंडित लोग हैं उन्होंने जरूर करना चाहिए, आपको लोगों को तो शायद उतनी स्पेस मिलती नहीं है, आपको तो थोड़ी थोड़ा चीज़ें दे करके दिन गुजारना पड़ता है। लेकिन ज़रूर जब आप एडिट बोर्ड में मिलने जुलने का मौका मिलता होगा तो ज़रूर ये बातें आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा बहुत सुखद अनुभव रहा है, जब मैं चुनाव के लिए निकला तब ये मन बना करके निकला था और आज आखिरी सभा तक उसी बात को मैं बराबर अपने आप को उसी धार पर रखा हूँ। और मैंने देशवासियों को ये कहा था कि मैं आपके पास आया हूँ धन्यवाद करने के लिए, 5 साल मुझे देश ने जो सहकार दिया, आशीर्वाद दिया, अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, अनेक मोड़ आए होंगे, लेकिन हर समय देश साथ रहा। और इसलिए मेरे लिए चुनाव अभियान एक प्रकार से 5 साल का जनता जनार्दन के सहयोग का धन्यवाद अभियान था और मैं जहाँ पहुँच सकूँ पहुँच करके मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। आप लोगों के बीच भी मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूँ और आपके माध्यम से देशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरा धन्यवाद के साथ मैंने ये भी कहा कि जिन यात्रा को हमने शुरू किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद चाहिए और मैं देख रहा हूँ कि जनता पहले से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दे रही है।